छह राज्यों की पुलिस विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश डाल रही थी, लेकिन आज सुबह ये कामयाबी हासिल हुई है। विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए वो पहुंचा था। आपने कहावत सुनी होगी, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और कान उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। शायद इसी उद्देश्य के साथ, शायद इसी तरीके से महाकाल के दर्शन करने के लिए और उनकी शरण में पहुंचा होगा विकास दुबे, लेकिन शायद ये भूल गया कि पहली लाइन का मतलब क्या है। चांडाल जैसा काम किया है, 60 से ज्यादा गंभीर मामले उस पर दर्ज है और लगातार पुलिस दबिश देते हुए उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी है विकास दुबे। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा, आगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, सुनिए। हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे के मध्य प्रदेश राज्य में जिला उज्जैन के महाकाल थाने में पकड़े जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की पुलिस, चूंकि ये कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, इसको लाने के लिए यहाँ से विवेचक जाएंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम लोग अमल में लाएंगे। देखिए, एक राज्य में क्राइम करके दूसरे राज्य में भाग जाना, उसके बाद एक प्रक्रिया होती है। अगर मध्य प्रदेश में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है तो अब वहां कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, कागजी कार्रवाई होगी, उसके बाद हैंडओवर उत्तर प्रदेश पुलिस को कर दिया जाएगा। और इसीलिए अब शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत भी की है। कामयाबी बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने इस मामले पर क्या कहा, यह भी जानिए। उज्जैन महाकाल की चौकी में, और ये जरूरी है कि उससे बृहद पूछताछ जब की जाए और तत्परता के साथ, कि जो पुलिस अधिकारी, जो आईएएस अधिकारी, जो व्यवसायी, बिजनेसमैन और राजनेता ने इसमें प्राण ऊर्जा फूकी है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई, और जैसे गैंग मेंबर के खिलाफ कार्रवाई होती है उनको नेस्तनाबूद करना, उनको मिट्टी में मिलाना, वो कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई बड़ी हुई है, कामयाबी भी बड़ी हाथ लगी है, लेकिन साथ ही साथ सवाल कई पीछे छोड़ गई है। गिरफ्तारी तो विकास दुबे की हो गई है, लेकिन कानपुर से मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंचा कैसे? क्या फिर से किसी पुलिस वाले की मिलीभगत हो सकती है? क्या कोई अधिकारी, क्या कोई सफेदपोश नेता इसमें शामिल हो सकते हैं? जांच लगातार चल रही है। आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज लगातार पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएगा। एक ब्रेक का वक्त है।